हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने एक नया मेंबर भी अपने एक मतलब इस वीडियो में ऐड कर दिया है और हमने फिर से लाया है मंटूर व्लॉगर को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद होगा तब एकदम से ठीक होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका अपना मंसूर व्लॉग। तो आज फिर से हमने लतीफ़ भाई ने को कॉल किया, हम लतीफ़ भाई के कॉल पे आ गए हैं। तो हमारे साथ एक नया भी टीम का मेंबर है। अरे भाई, आप व्यूअर्स को अपना इंट्रो दे दीजिए। जी हाँ लतीफ़ भाई, जो जैसे कि हमारे इंटरव्यू में ये ख्यालात हैं कि जैसे आपने बताया कि आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं ये गाँव का माहौल है और गाँव के माहौल में जो है ऐसे यानी कि व्लॉगर्स बनाने के लिए या यूट्यूबर्स को ये लोग जो है यहाँ के अंदाज से ये पागल समझते हैं। ये लोग समझते हैं यही नहीं यार, ये पागल हो गए। लेकिन शायद कौन पागल है या नहीं वो तो अल्लाह को पता है। हाँ, तो आपने सरीफ भाई का सुन ही लिया, तो इसका क्या बयान था। तो आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं किधर, मॉडल टाउन, जो कि खैरपुर का बहुत ही खूबसूरत पार्क है। आज और हमारे साथ एंजॉय करना ना भूलिए। हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मंसूर भाई क्या कहना चाहते हैं? भाई इसने जो बात की ना पॉइंट है, हम गांव वाले लोग हैं ना, वो मना जब तक उनको नहीं पता है कि YouTube क्या भला है। हाँ। जो YouTube पे चढ़ गया ना तो वो कामयाब हो गया, फिर उनको पता चलेगा ये कैसे करोड़पति बना। हाँ, फिर उन लोगों को पता चलेगा। अगर देखो ना, एक बंदा यूट्यूब वाला अच्छा है तो अच्छा, अगर बदतमीज है तो बदतमीज है। मतलब आप लोग देख ही रहे हो कि गाँव के बेहतर होते हैं। यार मैं फर्क, मैंने मोबाइल उठा लिया, यार बंदा हंस रहा है, मुझे देख रहा है, मैं मोबाइल जल्दी नीचे कर दूं, मुझे पागल समझ रहा है। अब हमने ये शर्माना सब कुछ छोड़ दिया है, खत्म। हम सर, हम सब कुछ उठा के बैठे हैं। जैसे उधर एक बंदा भी देख रहा है और इधर हॉस्टल है बैठने वाला। बहरहाल अब हमारा काम है, सो हमने काम को अपना परफेक्ट कर दिया। सो अभी हम जाने वाले हैं पार्क की तरफ, मॉडल टाउन जा रहे हैं। तो सलीम भाई बाइक को स्टार्ट करें, चलते हैं आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो गाइस अभी हम बाइक पे बैठे हैं, हम जा रहे हैं पार्क की तरफ। मंसूर भाई, भाई अभी सलीम भाई ड्राइव कर रहा है, न्यू ड्राइवर है, पता नहीं हमारी टांग फोड़ेगा कि कुछ करेगा, देखते हैं। न्यू ड्राइवर देखते हैं, न्यू ड्राइवर क्या नहीं, पुराना ड्राइवर है, फाइव स्टार ड्राइवर है। तो अभी हम बाइक पे बैठे हैं, जा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं। कभी तूने बाइक चलाई है? तो फ्रेंड्स फाइनली हम चाड़िया मोड़ पे ही पहुंच गए हैं। थोड़ा देखे ये चाड़िया मोड़ है, तो हम थोड़ा आगे फिटिंग का भी हम लोग को दिखा देते हैं। और गाइस जैसे कि ये ड्राइविंग चेंज कर रहे हैं क्योंकि अभी लतीफ भाई गाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि अब मैंने सोचा क्यों ना मैं बाइक चलाऊं, क्यों मजा आ रहा है बाइक पे। अभी इस वक्त हम शहर में खड़े हैं चाड़िया मोड़ पर, तो मैंने क्यों ना कहा व्लॉगिंग अभी मैं करूंगा, उसके बाद लतीफ भाई ड्राइव करेगा। चलो बैठो भाई। तो आप देख सकते हो कि लतीफ भाई ड्राइव कर रहा है इस टाइम को, हमने सलीम को बीच में लगा दिया है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, फ्यूल डलवाने, पाकिस्तान में फ्यूल की कीमत अस्त। तो अभी पहुंच गए हम पेट्रोल पंप के, और तो ये पेट्रोल पंप वाला भी इधर खड़ा है, इधर कुछ गाड़ियां वगैरह भी खड़ी हैं, तो इसका कम पंप पे खड़े हैं। और अभी हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, अभी हम निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो चले लतीफ भाई, चलते हैं भाई। तो अभी जेब खाली हो गया लतीफ भाई की, जुड़ी रहिएगा वीडियो के एंड तक, अभी चलते हैं। हम अपने मंदिर की ओर पहुंच गए, तो अभी हमें चलना है इस पुल के ऊपर से। तो अभी ऊपर से हम जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो हम चलते हैं, चलो एंजॉय करो फ्रेंड्स, चलो एंजॉय। और हम इस टाइम चल रहे हैं पुल के ऊपर के ऊपर, तो ये देखो अभी हम पुल से नीचे उतरने ही वाले हैं, तो हमने कहा तो अभी हम पुल से नीचे उतरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है यार, लतीफ भाई के साथ बाइक पे जो है ना बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हम दोस्तों के साथ बाइक पे जा रहे हैं, तो अभी व्लॉगिंग करते करते जा रहे हैं। तो क्या फील हो रहा है सलीम भाई आपको? भाई मुझे तो यही फील हो रहा है कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में जो बनाए गए रोड थे, वो रोड वैसे के वैसे है जैसे
इस बाइक पे सफर कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे जैसे कोई वो नहीं बैलगाड़ी पे लेके जा रहे हैं वो पुराने। तो ये सलीम भाई का कहना है कि खैरपुर मीरस के रोड इतने खराब हो चुके हैं ना, तो क्या बना कोई बैलगाड़ी पे सफर करता हो भाई। इससे अच्छा है वो अंग्रेज फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए आ जाते हैं, कम से कम रोड तो अच्छे मिलते हैं। सही कह रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस टाइम को अभी पहुंचने वाले हैं अपने मंदिर पे, और तो अभी आपको पीछे का लुक दिखाते हैं, और जुड़िए रहिएगा वीडियो के एंड तक, बैक कैमरे में आपको दिखाते हैं। रेड पुल के नाम से मशहूर है खैरपुर मीरस में, ये है वो रेड पुल जिसे खैरपुर मीरस में गाड़ी पुल कहते हैं सिटी में। हाँ सिटी में। और इस टाइम हम वहाँ के नीचे ऊपर खड़े हुए हैं, तो इधर का आप व्यू चेक कर सकते हैं कैसा ये इधर नजारा देख लो। जल्दी भाई आप ड्राइव करो यार। भाई मैं ड्राइव तो कर रहा हूँ। ये बीच का नजारा देखो, आप देख सकते हो इस पर तो जो है ना हम किसी वहाँ पर पहुंचे हैं। कौन सा वहाँ यार? ये मीरबा कहते हैं यार, जब मीरों की यहाँ पर हुकूमत थी ना। अच्छा ये पुरानी बात है काफी सारी, ये हिस्टोरिकल है। हाँ तो ये भाई लती भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो लती भाई लगाओ लगाई दो चार चार। अच्छा सलीम भाई आप मीरों के वक्त में हुआ तो मीरों के वक्त में तो नहीं था लती भाई, लेकिन जो ना थोड़ा बहुत जो ना जानकारी अपने मुल्क के अंदर जो ना थोड़ा बहुत जानकारी मिली है। तो इसके स्कूल से बाहर निकल के फिर बात करते हैं गाइस, ये बहुत डेंजर स्कूल है भाई, डेंजर स्कूल है। वो देखो भाई। तो गाइस इनको चेक करो, ये रास्ता अपने खैरपुर शहर का रास्ता भटक के जा रहे हो यार, ये कौन सा मसला है? ये भूलने की बीमारी है। ये भूलने की बीमारी नहीं है भाई, ऐसा ना करो। बॉर्डर टाउन, वो देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, चेक करो। तो फ्रेंड्स हम बॉर्डर टाउन पहुंची नहीं गए, बस थोड़ा मतलब के दूर है, मतलब कुछ ही सेकंड का उसका बोर्ड लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर टाउन वाला है। तो बस कुछ नजदीक ये हम आगे जाकर आप लोग को अच्छा सा विजिट करवा देते हैं। और ये क्या है, ये तो गुदने वाला था ना, गुदा क्यों नहीं अभी तक भाई? ऐसे काम भी करने चाहिए, देखो कैसे कुछ किसी चीज क्या खिला रहे हैं, परिंदों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। वो देखो पाकिस्तान में इतनी वो देखो खिला रहे हैं, और बकरियां पता नहीं कहां से आ गए बेचारे। ओ यार फनी वीडियो। वो देखो भाई। खैर हम अपने काम करने आए, सो हम अपना काम करेंगे। तो इसका बोर्ड आप लोगों ने देखा जो कि अभी नजदीक है मॉडल टाउन का, तो अभी हम जा रहे हैं आगे। तीसरे दिन के व्लॉग में ट्रेन नहीं मिला, तो इस व्लॉग में देखो हमें ट्रेन मिल गया यार। मैं तो चला कूदने, कोई रोके मुझे तो वो देखो ट्रेन जा रहा है उधर से, देखिए आ रहा है तो जैसे कि दोस्तों ट्रेन सामने से जा रही है, ये देखिए ट्रेन अब आ रहा है, उस दिन हमें व्लॉग में नहीं मिला। देखो भाई ट्रेन भी जा रही है, तो उस व्लॉग में हमें ट्रेन नहीं मिला था, बहुत कोशिश किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। तो हम चलते हैं टाउन के तरफ। तो फ्रेंड्स हम मॉडल टाउन पहुंची गए हैं, जो कि आप लोग तो नज़ारा देख सकते हैं बहुत ही मज़े का है, और अंदर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मंसूर भाई सलीम भाई क्या ख्याल है अंदर के बारे में? आप लोगों ने तो विजिट भी किया, मैंने नहीं किया भाई। बहुत ही मज़ा है यार, खैरपुर मॉडल टाउन जो है यहाँ का फेमस प्लेस है यहाँ, तो यहाँ पर आइए हम दोस्तों को भी इंजॉय कराते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जब तक हमारे साथ रहेंगे, आप लोगों को हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की सैर कराएंगे। हाँ आप लोग साथ ही रहिएगा वीडियो में, और अभी हम अंदर चलते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाते हैं, वीडियो में साथ रहिए। चलो यार सबर। और मुझे सिर्फ यही कहना है कि आपको ये पूरा मॉडल टाउन आज के इस व्लॉग में विजिट कराएंगे, तो उम्मीद होगा तो आपको ये व्लॉग बहुत अच्छे से, मिस्त्री देखो कैसे बनाया यार। और मैंने भी ये फर्स्ट बार विजिट करने इसको आया हूँ, तो आप और मैं आज साथ में इसको विजिट करते हैं, देखते हैं कैसे लगते हैं आप लोग और मुझे भी। कम ऑन फ्रेंड्स लेट्स गो, चलते हैं। ये सामने दूर दूर तक ये नजारा जाता है, आपको पूरा नजारा दिखाएंगे, उम्मीद होगा तो आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। चलो चलते हैं। मॉडल टाउन के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो इस बात में आपको लतीफ भाई क्या कहना चाहिए? तो मैं जैसे इंटर भाई अंदर हुआ, जो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट बार आया हूँ ना, तो उधर जो मस्जिद दिख रहा है बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी देखेंगे तो कहेंगे बहुत ही अच्छा मस्जिद है, और उधर बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत चीज होने वाले। तो सलीम भाई के और मंसूर के साथ अभी हम वहाँ पे चलते हैं, बहुत अच्छा मजा करने चलते हैं। पूरा मॉडल टाउन को विजिट कराएंगे इस व्लॉग में।
तो पीछे बंदे का रिएक्शन चेक करते भाई, वो कैसे इशारा दे रहा था व्लॉग में, मैंने तो देखा उसको, आपने शायद नहीं देखा। अच्छा, रिएक्शन दिखा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ताकि हम मोबाइल नीचे कर दे, इसलिए तो हमें हंसने आ रहा था। तो व्लॉग को हम दी एंड नहीं करेंगे, तो व्लॉग को उधर जाके दी एंड करेंगे, पूरा मर्डर टाउन को बैक, सॉरी थोड़ा ड्राइवर को मतलब मूव करके उसको दिखा दें, तो आपको पूरा वहां तक ले जाएंगे। वो सामने आपको मस्जिद नजर आ रहा होगा, लती भाई आ रहा है नजर? हाँ, तो ये इतना दूर है कि आधा किलोमीटर दूर हो सकता है। आधा किलोमीटर, इसमें जो है मंसूर भाई एक दिलचस्प बात हम दोस्तों को बताने वाले हैं, ये जो मॉडल टाउन है ये यहाँ का खैरपुर में जो है ना महंगे में महंगा जो है ना प्लाट यहाँ पर जो ना सेल होते हैं। अच्छा, तो आइए, तो भाई ये बन रहा है लेकिन ये अभी बना नहीं है, तो इसीलिए भी यहाँ पर जो है ना यार इसकी भाव जो है बहुत बड़ी। यार आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी यहाँ पर प्लॉट खरीद सकें यूट्यूब के पेमेंट से, इंशाल्लाह। अभी जैसे कि वो मस्जिद देख रहे हैं ना, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे शाहजहान ने खुद, शाहजहान मिस्त्री बन गए हो इसको बनाया। तो आपको दिखाएंगे ये नजारा, देख सकते हो कैसे कैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो अभी लतीफ भाई हम रोड पे चल रहे हैं, तो बाकी की बात लतीफ भाई आपसे खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि मेरा नाम सलीम रजा है, आप तो हमें जानते ही हैं। मैंने भाई वालों से को बोला है कि यार थोड़ा सा मोबाइल है, मैं जो ना आप लोगों को कुछ जरूरी जरूरी सी बात है, वो जो है ना जैसे कि हर मूड में फनी होना जरूरी है। जैसे कि अब्दुल लतीफ भाई जो अभी बता रहे थे कि भाई अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा, अरे बोला भाई जब तक जो है ना YouTube पर ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसे ही चलते ही रहेंगे। और हाँ, मेरे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि गाइज प्लीज अब्दुल लतीफ ऑफिशियल जो चैनल है अब्दुल लतीफ भाई का, इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत जो है ना बहुत ही मेहनती बंदा है यार, बहुत ही ये जो है ना टैलेंटेड बॉय है कसम से, मुझे ना बहुत इसकी जो है ना अंदाज बहुत अच्छा लगता है। YouTube को हिला दो, हाँ YouTube को हिला दो। और जैसे कि भाई ऐसा ना हो कि जैसे हम रोड पे अभी चल रहे हैं कोई लाइक ना मिले रोड पे हमें आने नहीं देना। तो भाई हमारा जो है ना अभी पांव जो है काम छोड़ दे, इतने दूर हुए। वो देख पीछे, देख कितना दूर पैदल आए, दिखाता हूँ दोस्तों को, दिखाऊं पीछे दोस्तों को व्यू दिखाओ, कितना पैदल आए यार, एक लाइक तो बनता है ना यार। हमने कितना पीछे से सफर किया है देखे आप लोगों के इस व्लॉग के लिए, तो अभी हम आगे भी चलते हैं, इससे भी ज्यादा सफर आगे करेंगे। ये वीडियो आप पे डिपेंड है, लाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना दूर आए अपने गाँव से, कितना दूर आए शहर में वीडियो बनाने के लिए यार। तो जैसे कि आप लोगों का जो है ना लाइक और कमेंट से कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाता यार, कुछ भी नहीं बिगड़ता है किसी का। जैसे आज अब्दुल लतीफ भाई जो है मेरे साथ है, तो लतीफ भाई ने जैसे कि आज हमें बताया कि भाई जो भारत में जो व्लॉगर्स हैं वो तकरीबन जो है ना छोटे से व्लॉगर्स को भी सपोर्ट करते हैं, तो अगर इसी बात को हम मद्देनजर रखें। मुझे डकी भाई पे इन पे शर्म आता है यार। अच्छा, शर्म आता है डकी भाई पे, इंडिया का भारत का नंबर वन यूट्यूबर छोटे छोटे बच्चों को कमेंट करते हैं यार, ये कोई पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं है। सूरज जोशी है वो उसका नाम, मुझे नहीं पता आपने बता दिया, बहुत नंबर वन भी बड़ा यूट्यूबर है, डकी भाई से भी बड़ा यूट्यूबर है, जो कल पैदा होते हैं वो यूट्यूब पे वायरल होते हैं, फिर कहते हैं मैं हूँ, कोई कोई नहीं है यार, ऐसे थोड़ी ना होता यार। कोई भी बड़ा पाकिस्तानी यूट्यूबर किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, वो कहते हैं कि ऐसे भीख मांगता फिरे बस हमारे वीडियोस देखता रहे, जो कि आप लोग एक वीडियो देखते हैं थंबनेल कैसे बनाए वो भी एक का वीडियो देखते फिर दूसरे का जाता है, सपोर्ट किसी को भी नहीं मतलब करते। गलत बात है, आज तक आप लोगों ने सुना कि पाकिस्तानी यूट्यूबर ने किसी को फ्री में सब्सक्राइबर दिए, किसी का फ्री में चैनल प्रमोशन किया, कोई भी नहीं है, इंडिया वाले सब के करते हैं, वो ज्यादातर अपने इंडिया के लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है भाई। जितना मैं डकी भाई का फैन है इतना मैं सूरज भाई का फैन, तो वो छोटे यूजरों को सपोर्ट करता है यार, ये सपोर्ट नहीं करता डकी भाई बस। तो यार देखे ना, अभी इंसानियत होनी चाहिए, कोई भी यूट्यूबर हो भारत से ताल्लुक रखता हो या चाहे पाकिस्तान से किसी भी मुल्क से ना जो ताल्लुक रखता हो, लेकिन यूट्यूबर्स हैव सेंस, उन्हें इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि बगैर इंसानियत की जो है ना भाई, अभी देखे यूट्यूबरों का बात, अभी गाइस को पीछे के कैमरा से यहाँ पर नजारे दिखाते हैं, कमरे आप दिखाते लोगों हैं। ने कुछ तो यूट्यूबरों का बात सुन लिया ना, जो कि वाकई में ऐसे मसले थे जो कि हमें बहुत दुख होता है यार, हमारे पाकिस्तानी बहुत यूट्यूबर 800-4000 वॉच टाइम करके एक सब्सक्राइबर करके चले जाते हैं, उसका मतलब कोई मोनेटाइज करके भी नहीं देता, यार पैसे दो फिर मैं आपको एडिशन पेन लेके दूंगा ये वो। पाकिस्तान यार मैं सच कहूँ तो मजे की नहीं है, जो कि मैं इंडिया के अंदर बहुत मतलब इंसानियत देखा है। तो आप लोगों को हम कुछ दिखा देते हैं भाई, इसको ये थोड़ा महल दिखा दे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक मॉडल टाउन में बहुत ही अच्छा घर बन रहा है, ये भी किसी ने महंगे पैसों में मतलब कि ये यहाँ का जो फ्लैट होते हैं बहुत महंगा है, तो किसी ने मतलब बहुत ही पैसा इन्वेस्ट करके फिर ये फ्लैट लिया है, फिर ये जगह बनवा रहा है, बहुत ही शानदार जगह। आप लोग देखें कैसा है ये जगह, अभी इसको बहुत डेकोरेशन होगा, ये अभी से बहुत मेहनत से बनवा रहे हैं, तो इसको और भी ये बहुत अच्छा कर देंगे, मतलब कि इन्वेस्ट बहुत पैसे कर गए, तो
मैंने ये देख कर मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मंसूर भाई थोड़ा तो उधर भी दिखा दे, मस्जिद की तरफ भी पहुंची, जैसे कि शाहजहां मस्जिद लग रहा है भाई। हाँ भाई बिल्कुल सही बात, ये भाई मुझे फैसल मस्जिद लग रहा है जो 5,000 के पीछे नहीं होता। सही बात। फाइनली हमने आपको ये घर भी दिखा लिया, तो अभी हम चलते हैं उस शाहजहां मस्जिद के पास जो 5,000 के पीछे, आप चेक कर लिया वो यही मस्जिद का पिक होगा। और ये कैसे बल्ब है ये तो कोई बता दे, ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने बल्ब क्यों। ये बल्ब भाई इसलिए लगाए कि शो पीस के लिए, ताकि लोग खरीद सकें, लोग को खरीदने में इंटरेस्ट आए। जो नहीं कहते जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, इसलिए ऐसी बात है। कमान चलो। तो गाइस हम पहुंच ही गए इस मस्जिद के तरफ, तो अभी हम इसके अंदर इंटर होने वाले हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग थोड़ा देखे कैसा है सर भाई। जी भाई बहुत जैसे अच्छा इसका लुक है, तो अभी हम इसका अंदर आप लोगों को विजिट करवाते हैं कैसा है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं तीनों अंदर, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसको मैं चला देता हूँ कबीरा को अंदर, आप लोग भी देखिएगा कैसा नज़ारा है। पहुंच गए हैं अंदर, देखिए ये कैसे ये थी। मेहरबानी सर, थैंक यू भाई। तो फाइनली लतीफ भाई मस्जिद के अंदर एंटर हो गए, तो ऊपर का लुक दिखा दीजिए क्योंकि हमें रियल में ही पहुँच गए हैं। देखें तो आपको अंदर चल के दिखाते हैं मस्जिद का अंदर वाला लुक। लतीफ भाई बहुत यार, मंसूर भाई बहुत मजा आ रहा है कसम से। अच्छा मस्जिद में यार, इधर आ भाई इधर, बहुत तो मजा आएगा ना, मस्जिद जो है अल्लाह का घर है तो इसमें तो ये भी बन भी रहा है, ये बन रहा है ऊपर से, मतलब अभी इसी काम जारी है, डेकोरेशन बन जाएगा ना भाई, बहुत ही अच्छा जबरदस्त हो जाएगा। अभी चलते अंदर भाई, इसका लुक चेक करो, इसका लुक चेक करो कैसा बना रहे माशाल्लाह। ये मस्जिद को देखो, तो ये लतीफ भाई अभी अंदर एंटर होने वाले, माशाल्लाह कितना बड़ा मस्जिद है वो देख सकते हो यार, बहुत ही मजे का है अंदर। चलो देखो तो सही, ये देखो इसमें आवाज भी गूंज रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम ताजमहल में पहुंच गए। ऊपर का दिखा दो, ऊपर का दिखा दो, ऊपर का नजारा देख लो ये, और बीच का भी नजारा देख लो। और यार इतना दूर आते हैं ब्लॉग बनने, इसमें बहुत साउंड भी गूंज रहा है यार, वो देखो। देखो ना हमें किसी एडिटिंग करने का तो जरूरत ही नहीं है, जैसे एक और रूम एक काइन मास्टर या स्नैप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, जो कि बंदा मतलब रूम में बैठकर अपने वॉइस चेंज करते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो ऑलरेडी वॉइस बना हुआ है, सुनिए आप आवाज कैसा लग रहा है। डबलिंग में आवाज आ रहा है भाई, इको रूम चल रहा है, इको रूम। तो किसी को भी यार खुदा के बारे में शायरी वगैरह करनी हो तो इस मस्जिद में आके करे। भाई मुझे तो नाथ पढ़ने का दिल है। हां भाई आप नाथ सुनाओ, नाथ सुनाओ, नाथ सुनाओ। आज 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 ये देखो दोस्तों, से दिखा दे ऊपर देखिए कैसा है, ऊपर का नजारा आप देख रहे हो। और ये मस्जिद के अंदर चप्पल उतार के अंदर एंटर हुए हैं, देखो फ्रेंड्स। अभी ये जो आप लोगों को थोड़ा रोशन इस दीवार से नजर आ रहा है ना, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, मतलब बाहर जाएंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मंसूर भाई चलो हम चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो अभी माशाल्लाह इसके अंदर अभी झाड़ू का काम भी स्टार्ट है, मजदूर वगैरह लोग बाहर खाना खा रहे हैं इस टाइम को, तो उसने ये झाड़ू का काम भी स्टार्ट कर लिया, जो सफाई वगैरह करते हैं। अब ये देखो ये बिजली का बोर्ड वगैरह लगे हैं, हाथ लगे थे नहीं यहाँ पे सभी। तो चलो अभी जो है ना झाड़ू और सफाई भागी छोड़ दें, अभी इधर चलते हैं, ऐसे ना हो कि हमें झाड़ू पड़ जाए। सही कह रहे हो यार, सही बोला था। अंदर गूंजने की आवाज आ रही थी भाई, इधर ये देखें मस्जिद के बाहर का जो है ना ये नजारा है, देखें कैसा है माशाल्लाह। मस्जिद के बाद नमाज पढ़ के जो ना लोग यहाँ पर आके खड़ा हो सकते हैं, कोई मना बैठ सकते हैं, तो यहाँ का सीन भी देख सकते हैं। उधर देखिए सरसों है, वो उधर सरसों है, देखो सरसों का फूल वैसे ही खड़ा है यहाँ पे, इसका क्या कहते हैं मौसम नहीं गया है क्या? नहीं भाई अभी तो जो है ना जो उगलते हुए ना वो वापस नहीं जाते हैं, जो तब तक काटेंगे नहीं। अच्छा अच्छा हाँ ये यार हमारे तो वहाँ पे इसके फूल जो चढ़ जाते हैं। तो भाई लतीफ भाई ये खजूर का पेड़ है कि नारियल का पेड़ है? नहीं भाई ये खंबा है। नहीं भाई ये खंबा है। खंबा क्या होता है? ये खंबा भाई जिसमें जो है ना वो मछलियाँ तैरती है। ये खंबा, ये खंबा है, ये देखिए ये कोई खंबा है, ये तो खजूर दिखता है, ये खजूर वजूर नहीं। अभी हमारे मस्जिद से बाहर निकले ना, अभी हमारे पाँव जो है जल रहे हैं। हाँ क्योंकि हमने देखो ये वगैरह जूते जो है ना उतार के आए हैं मस्जिद के अंदर, अभी हमें चलना चाहिए बाहर के। और यहाँ पे जो है डिजर्ट कहते हैं अंग्रेज, डिजर्ट इसको क्या कहते हैं भाई? इसको वारी कहते हैं सिंधी में, हमारे सिंधी में रेत जो उर्दू में कहते हैं। सनी भाई ने कहा इसको रेत कहते हैं। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, हमारा बाइक सब कुछ खड़े हुए हैं, मोबाइल हमारे हाथ में और बाइक किसी और के हाथ में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। तो हम चलते हैं, हमारा बाइक जो है ना दूर खड़ा हुआ है, जैसे कि ईद का माहौल है दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई। तो क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो चप्पल भी वापस नहीं मिलती, इंसान को ही घूम कर देते, ये कौन से मशीनरी बात है। तो आप लोगों ने मस्जिद को देखा ही होगा, देखा कितना है, बहुत ही अच्छा है जबरदस्त है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। लोग
फाइनली हम मस्जिद के बाहर आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं अपनी गाड़ी के और कैसे ना हमारी। अबे इधर नहीं है गाड़ी, गाड़ी इधर है, वो इधर। अच्छा इधर है। हाँ इधर तो कुछ और है यार। हाँ इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, कब्रिस्तान का रास्ता है, जाओगे भाई? इतना जल्दी नहीं भी है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, यूट्यूब ऐसे ही कैसे जा सकते हैं। ऐसे जाएंगे तो यूट्यूब भी नाराज हो जाएगा, ये सही बात है। हाँ ना, और ये डिजाइन देखिए कैसा डिजाइन है, जबरदस्त है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, ये देखिए। इधर बाइक खड़े हुए मजदूर लोग। तो फ्रेंड्स हमने ये जितना भी था हमने व्लॉग आप लोग के लिए बना दिया, जो कि स्टार्टिंग से हमने कुछ बनाया, तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का माहौल? मंसूर भाई ने भी हमें ये विज़िट करवा दिया और सलीम भाई ने भी हमें टाइम देकर ये विज़िट करवा दिया, जो कि आज हमने बहुत ही मज़े किए। आप लोग को कैसा लगा ये मॉडल टाउन? ये तो और भी बहुत बढ़ेगा, ये अभी स्टार्ट हुआ है, नया मतलब बनाया है, इसको खास साल भी नहीं हुए। तो भाई अभी हम चल रहे हैं अपने बाइक के और वापसी है हमारी अभी। भाई किधर जाएंगे, घर के और ना? धूप भी बहुत है यार। हाँ आज धूप भी बहुत है, अभी जैसे रोज़ों का सिस्टम स्टार्ट हो गया तो धूप भी बहुत ही बढ़ते गए हैं भाई, ऐसे ना? हाँ जी हाँ भाई, धूप जो है बहुत तेज़ है, और यहाँ पे खैरपुर का जो है ना मौसम ऐसा है, ये अंदरूनी सिंध का शहर है खैरपुर, यहाँ के लिए ना गर्मी बहुत तेज होती है, जैसे कि अभी खजूरों का भी सीजन आने वाली है। तो मंसूर भाई हंसे नहीं, मुझे यार आपका ये बात बहुत अच्छा लगा है, अंदरूनी सिंध से माना, ये इसका समझ में कुछ नहीं है भाई, इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये है कि भाई ये जो है ना सिंध के बीचों बीच में जो है ना सेंटर में है। सलमान खान का फिल्म नहीं है जो छोटी बच्ची आ जाती है पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क से? भाई तुमने तो सलमान खान की फिल्म के अलावा और कुछ देखा ही नहीं लगता है। भाई मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। खैर मैं जस्ट यक्ष का फैन हूँ, खुद का फैन हूँ, इसलिए तो यक्ष बना हुआ है इस टाइम। हाँ ये खुद का फैन है, मैं खुद का। अभी हम उधर की तरफ जाएंगे, देखे जहाँ से हम आए थे, और खास करके ये लड़कियों का फैन है वो भाई। नहीं छोड़ दे हम लड़कियों का, अस्तगफुरुल्लाह, आप लोगों को पता है हम अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के साथ कोई हमारा कनेक्शन नहीं होता, और शरीफ इंसान है बाबा साहब। खैर तो ये घर है जो कि हमने आप लोग को पहले विजिट करवा दिया, तो अभी हम उधर जाएंगे फिर से मॉडल टाउन के गेट पर। आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अभी हम बात कर करके हमारी जो है ना गला ही सूख गया है, कितना बात किया यार, कम से कम एक घंटे से हम एक घंटे से जो व्लॉग बना रहे हैं, एक घंटे से आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए, जो बहन भाई हमको देख रहे हैं यूट्यूब पर उनके लिए। और चलते हैं अपनी मंजिल के और, अभी बहुत पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है क्या, चलेगा आज लगता है बस पे जाना होगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी खड़ी है जहाँ किसी ने प्रोग्राम बढ़ा दिया है, प्रोग्राम बढ़ गया जो देखते हैं। अभी चलते हैं हम करीब, आपको बताएंगे हमारी बाइक खड़ी है कि चला गया। सलीम भाई आपको क्या लगता है खड़ी होगी? भाई लगता है जो हमारी बाइक है ना वो किसी दूसरे के साथ भाग गई है। दूसरे के साथ ईद का, ईद का वो क्या है, पुलिस वाले और लोग जम से उठा लेंगे, जम से ही तो उठा वो ऐसे ही। हमने बहुत पैदल किया तो इसलिए हम बहुत थक गए हैं, तो इसलिए हम इस पेड़ के छांव में रुक गए हैं। क्या कहना चाहते हो यार? यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिसके नीचे खड़े हैं ये आखिर चीज क्या है? ये चीज खा के देख लू बकरियों जैसा, मुझे मरेगा। स्वांजरो कहते हैं आई थिंक, क्या कहते हैं जो भी स्वांजरो, स्वांजरो हाँ, कौन सी लैंग्वेज में, सिंधी में, ये तो मुझे पता नहीं, तो यूट्यूब वालों से पूछ लेते हैं ये कब काम आएंगे। हाँ ये थोड़ा देख ले दोस्तों, ये बताएं कि ये कौन सा पेड़ है, तो इनको थोड़ा करीब से दिखा देते हैं। पेड़ यार नहीं है, ये पौधा है, पौधा है ये, फूल, अच्छा फूल, ये इतना बड़ा है हमसे बड़ा ये पौधा है। बकरियों की तरह पहले सूंघेंगे फिर खाएंगे। अरे सूंघेंगे नहीं, इसको सूंघेंगे, आज सूंघेंगे भाई, हम बलोच लोग हैं, हमारी जो है ना लैंग्वेज मिक्स माल है। हाँ मतलब मिक्स नहीं कर देते तो आप लोग इसका मतलब डाउट नहीं करेगा, ऐसा होता है वैसे हमारे यहाँ। तो चलते हैं अपनी बाइक की ओर यार, ऐसे ना बाइक को ये किडनैप कर जाए फिर हम ढूंढते हैं। यार मेरे दिल को तो नहीं लगता कि हमारा बाइक वहाँ पे खड़ा होगा, सो मैं ना उम्मीद हूँ। तो भाई खुदा करे खड़ा हो, नहीं तो हमको ये गधे गाड़ी पे जाना पड़ेगा घर अपने। ओ भाई इस टाइम में ऐसे मौसम में रमजान में तो ना गधा भी नहीं मिलेगा हमें भाई। मुझे लगता है गधा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, फिर पैदल तो जाएंगे ना यार, पता नहीं। लतीफ भाई इसको भी सुनिए, गाना कौन सा है, गधे की ऐसे की तैसी मैं खुद गधा बन जाऊंगा यार। ओ भाई नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, नजर आ रहा है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक भाई, इससे भी ज्यादा खुशी हो रही है, ईद से भी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि लतीफ भाई की गाड़ी अभी भी उधर खड़ी है।
कैसे? अच्छा, तो ऐसे समझ लें वो जो हमारी बाइक खड़ी है वो बाइक नहीं है हमारे लिए, ऐसे समझो कि इस टाइम जो है ना वो ईद के चांद जैसी है। तो बहुत ही जोरों से आपको इसका इंतजार है। हाँ भाई, तो देख लिया, इंतजार था, अभी खत्म हो गया, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। तो अभी भी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं लतीफ भाई के जो लतीफ भाई की गाड़ी चली जाएगी। सो खैर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में ये जो मॉडल टाउन आपने देखा ना, जैसा भी है फिलहाल वैसा ही है, ठीक है ना। सो कुछ साल या कुछ मंथ के बाद ये फिर से ऐसा बन जाएगा ना जो आप लोग खुद इसका नाम अपने कंट्री या सुबह में सुनोगे कि हाँ यार मॉडल टाउन, और वो भी सिंध खैरपुर में, जो ये बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर दोबारा इसके अंदर आप लोगों को व्लॉग बना कर दिखाएंगे इंशाल्लाह इसी टीम के साथ। इस व्लॉग में आप मुझे इतना, आप लोग हमें इतना प्यार दिखाएं, इतना प्यार दिखाएं ताकि ये मॉडल टाउन जल्दी में बन जाए। तू थकेगा कब ले ले। दोस्त ले ले। दो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो थक गया था कब से, ये वो मॉडल टाउन है कि दोबारा अगर हमें यहाँ पर आना पड़े ना व्लॉग बनाने के लिए भी, हम धक्के खा खा के ना फिर ये गार्डों से, ये गार्ड वगैरह पुलिस वगैरह होंगे, लेकिन व्लॉग जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो है ना, ये देखे लतीफ भाई जो है अभी बिल्कुल ही, लतीफ भाई का प्रोग्राम तो बढ़ गया, अभी इसको व्लॉग का एडिटिंग भी करना है। अभी लतीफ भाई का काम अभी बहुत सारा है। इधर देखो, इसको जो है ना बाल निकल आए, देखो ये बाल है ना, ये क्या है, बाल है। यहाँ पे दिल कहता है कि इसके ये जो है ना, सही में थोड़ा अंदर इधर ही ये के जो है ना, इधर ही सो जाओ ये, क्योंकि ऊपर तो इसका छांव है ना, बहुत ही मजे का है। लतीफ भाई जैसे कि मंसूर भाई ने भी बताया यार, लतीफ भाई को बाल है, ठीक है, ये बाल है, ये हाँ, ये जो भी वीडियो हमारे गंजा ब्रदर्स देख रहे हैं अगर है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मशवरा है, बाल फ्री है मॉडल टाउन में। अच्छा। तो यार मैं यही कहना चाहता हूँ, नहीं रहेगा लतीफ भाई को आज रोजा है तो हमें चलना चाहिए टाइम से। लतीफ भाई कैसे, लतीफ भाई बहुत परेशान हो गया है कि मुझे हमें चलना चाहिए, तो यार क्या कर, फ्रेंड्स के लिए कुछ बनाना भी तो है। देखो भाई, लतीफ भाई रोजे में भी व्लॉग बना रहे हैं फिर भी यूट्यूब का वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। YouTube तो रोजा हमें भी है, लेकिन हमें कुछ और किस्म का रोजा है, हमें खाने पीने वाला रोजा नहीं, लतीफ को नहीं है खाने पीने वाला, हमें तो है ना यार। यार तुम्हें होगा तो ये देखो, ये हमारी बाइक भी खड़ी है, तो यार सबसे पहले वहाँ पर पांव वगैरह धो लेते हैं। हाँ, उधर पानी भी पिएंगे, पानी भी पिएंगे। रोजा आप लोग पिए, ऐसे ना कहो यार, पानी घर भी नहीं, तो मतलब पागल कर दिया, जो खुद पे भी ला रहा हूँ पानी भी पिएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो हमारा व्लॉग देखा ही है, सो कैसा है कैसा नहीं है। मंसूर भाई, सलीम भाई, क्या हाल है? मेरे सर में दर्द पड़ गया भाई, दर्द तो पड़ गया भाई इतना। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा यही गुजारिश है कि प्लीज यार, जो हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो भाई वो नहीं कर, ये तो कोई लाइक नहीं देगा। वो क्या है ना, लाइक और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ऑफिशियल चैनल को करें यार, क्या जाएगा एक लाइक करने में। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी जो है वो असर कर देता है यार, हौसले को ना बुलंद कर देता है। तो यार आप लाइक और सब्सक्राइब किया करो, आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से सलीम भाई का कहना है कुछ नहीं जाएगा, घर में आटा कम नहीं होगा। तो इसलिए यार आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंडों के पास भेज सकते यार। सो हमने ये गाइस वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया अपना, देखो ना हर किसी को काम होता है, मैंने अपना बहुत काम छोड़ कर आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो बनाने हैं। सलीम भाई, मंसूर भाई, ऐसा है ना, आप लोगों को भी तो काम था, आपने अपना दुकान छोड़ा, इसमें भी अपना ऑर्डर छोड़ के हम यहाँ पे आ गए आप लोगों को व्लॉग बनाने के लिए, मगर आप खास सपोर्ट नहीं दे रहे यार, कैसे मजा आएगा। अच्छे से बंदा कमेंट कर देता है, लाइक कर देता है, वीडियो भी शेयर कर देता है, अमेजिंग वीडियो है यार, हर कोई देखना चाहता है। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें क्या पता हिंदुस्तान जाना पड़े पाकिस्तान छोड़ के। हाँ, क्योंकि हिंदू तो आपस में बहुत सपोर्ट करते एक दूसरे को ना, हमारा अफसोस है यार, मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है भाई, मुझे रोना आ रहा है, मैं लेटूंगा इधर। नहीं नहीं नहीं, छोड़ तो कह रहा है, इतना बंदा सीरियस ना हो जाए, बात सुनो ना। अरे मुझे मारो सालो, लाइक करो, फॉलो करो। ये तंग आ गए मतलब, ऐसे काम होते ये बिल्कुल ही, मतलब क्या बताऊं इसके बारे में। मुझे तो लगता है इसे जो है ना YouTube मारेगा खुद, इसको मोए मोए की बीमारी हो गई इसलिए ऐसे बोल रहा है। खैर गाइस, सो ये बात है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और भी आगे से बहुत वीडियोस बनाएंगे। सो आप लोगों को हमारा वीडियोस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आगे भी आप लोग के लिए और बहुत भी अच्छी अच्छी जगहों से जाकर वीडियोस बनाएंगे। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी अपने हर वीडियोज़ में कहा था कि सर्दियाँ चल रहे हैं, सर्दियों के बाद मैं इंशाल्लाह बाहर निकल पड़ूंगा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने। तो देखो मैं अपने वायदे का पक्का निकला, जो कि मैं अकेले नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी लेके बाहर निकल पड़ा हूँ बाहर वीडियोस बनाने के लिए, जो कि मैं अपने किसी भी बात को मतलब डालता नहीं, मैं वो करके दिखाता हूँ, ये मेरा रूल है बचपन का। सो हम थोड़ा आपस में बातचीतें करके फिर
स्टैंड करते हैं, निकल पड़ेंगे अपने घर के और। हाँ तो सलीम भाई बैठे अच्छी बड़े। सलीम भाई और बताओ कैसे, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। खाना वगैरह टाइम से खा रहे हो? नहीं भाई अभी हम अपने बलोची में बात कर रहे हैं, हमें कोई ठीका नहीं उठाया उर्दू का। उर्दू का, उर्दू का हमने पहाड़ पट दिया है, पहाड़ पट दिया सिंधी में। सो बहरहाल अभी अलावाना अच्छा करेगा तो माना YouTube जरा वीडियो वाला लबे यार, असल मसलो आवे छे इंडिया वाला। हां यार अत्तर तो वीडियो था जी गति बाइक साथ का एंदा डक्की भाई आवे माना खसे सपोर्ट न करे इंडिया तो मजे एक बार सपोर्ट करना इंडिया तम और सी पता हल्का कमेंट दे तुम ही छोरा वीडियो कमेंट हो और पिन को ले जे सूरज जोशी यार मदद सपोर्ट करो जो की कसम से। अच्छा माना इंडिया वालों माना फले स्टार सूरज जोशी माना कमेंट कर देना तो इन ऑटोमेटिक माना लाइक सब्सक्राइबर उड़ाना रहो अत्र यार दे छितो मार गिर रहो दी। हां ये हां सही फेमस स्टार स्टार जर के मिले सब्सक्राइबर यार डेकी है 6.54 सब्सक्राइबर और ये 5.6 सब्सक्राइबर तो पर मिलियन है मिलियन नहीं था मैं पाकिस्तानी खमे वायरल बे होन रोहन घमट मावन घमट घमन मारा कुछ टाइम हमारे पास महंगा पैसा मिला ही है भाई जब बोले जा तो हमने बहुत आपस में बातें की तो मैं एक और भी पॉइंट कहना चाहता हूं हमारे पाकिस्तानी क्या 1000 सब्सक्राइबर क्या 150 वॉच टाइम भी बना होगा ना उसका तो वो किसी को कमेंट का रिप्लाई भी नहीं देता क्या कमेंट का रिप्लाई भी नहीं देता ना किसी का हार्ट देता ऐसे कमेंट पड़े होते किसको रिप्लाई इतना घमंड आ जाता है यार बड़ी बात है वो किसी को क्या बाढ़ में सपोर्ट करेगा। अगर आपको हमारी बलोची समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको बलोची समझ में नहीं आया तो फिर हम आपको वो उर्दू में बताएंगे। हाँ ट्रांसलेट करके आपको उर्दू में बताएंगे हमने क्या बलोची में बोला था क्या नहीं बोला था। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट जरूर करना। मतलब है इस व्लॉग जो हम लोगों ने आप लोगों को खैरपुर मॉडल टाउन दिखाया इस व्लॉग के साथ साथ लतीफ़ भाई का जो कहना है उसका ये भी मतलब है कि पाकिस्तानी जो बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं यूट्यूबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते ये बात सुनकर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई। मेरा गम अगर ना हो ए प्रभु। सो गाइस ऐसे ना करें देखें यार भाई एक तो बंदा जो है ना फेमस हो जाता है तो वो ये ना भूले कि वो भी किसी दिन में एक छोटा स्टार था। बंद करें मतलब बंद करें नहीं छोड़ दीजिएगा मत कर कैमरा यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है। सही कह रहा था भाई लागू अंकल बाकी दुखी बात होता है यार होता है कि देखो ना ये जो बड़ा यूट्यूबर है ना ये भी कभी छोटे यूट्यूबर दे यार किसी को यार मेरा शेयर करो ना यार मेरा वीडियो वॉच करो ना या सब्सक्राइब कर दो ना ये भी कभी ऐसे होते थे। अब इसके मिलियन में या 10,000 व्यूज पे तो क्या चले गए ये फिर औकाती भूल गए जो चड्डे पहन के घूम रहे थे। अरे भाई लड़की चेक कर छोड़े लड़की हो गया तुझे पता है देखता तक भी नहीं किसी को तो ये मौलवी बंदा है लड़कियों को नहीं देखता अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत जल्दी देखा। कैसे देखा मैं तो अंधा है तेरे को चश्मा तो नहीं लगा हुआ है माड़ा हम ऐसे काम नहीं करते माड़ा इतना मत लगा। तो फ्रेंड अभी हम करने वाले हैं व्लॉग को दी एंड अभी हमें टिकटॉक के भी वीडियो बहुत बनाने हैं कि टिकटॉक पे भी हमें वायरल होना है तो यूट्यूब पे भी हमें अगर आप लोग को मंसूर भाई का टिकटॉक क्या चैनल देखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा फिर मैं इसका टिकटॉक आईडी क्या करूँगा पिन कर दूंगा अपने इस चैनल पे फिर आप लोग उसके टिकटॉक पर भी जाके इसको अच्छा सपोर्ट कर दीजिए इससे अच्छे कमेंट्स अच्छे बातें मज़े ले सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह सलीम भाई फिर हम चलते भी हैं काम भी हैं तो आप लोग हमारा ये मतलब कि हमारे बातें हमारे लोग आप लोग कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुश रहिए आप सब सदा स्वागत रहिए आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह सलीम भाई भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा जो इसको भी लोग बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा तो हमें इंशाल्लाह और व्लॉग में मिलेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़।